अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। आज तुमने बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे बेटा? एक दो मीटिंग्स थी, आपको बताया तो था कि आज देर हो जाएगी। सब खैरियत है? सारा के इस घर में रहने से भला कोई खैरियत हो सकती है? आज अली को मेरे खिलाफ किया है, कल उसको लेकर अलग भी हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। अली हमें छोड़कर अलग नहीं हो सकता। जिस अली पर मुझे मान था ना शहीर, अब वो वैसा नहीं रहा। अगर इसी तरह रहा तो बुरी तरह से वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। मैं उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसकी नजर शौहर के पैसों पर है, और तब तक दिलचस्पी रहेगी उसकी जब तक वो एक एक पाई वसूल नहीं कर लेती। इतना आसान नहीं है माँ, जॉइंट फैमिली है और बिजनेस भी एक साथ ही हैंडल करते हैं। हालात एक जैसे नहीं रहते शहीर। अगर सारा ने अली को अपना हिस्सा मांगने पर उकसाया तो अली इस हद तक कभी नहीं जाएगा कि बिजनेस को अलग करके नुकसान पहुंचे। तुम इसी खुशफहमी में रहना कि वो इस हद तक नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता। सारा अपने प्यार में उसे इतना मजबूर कर देगी कि वो कोई भी हद पार कर सकता है। तुम ऐसा करो कि बिजनेस पे ना अपना पूरा होल्ड रखो। तुम उसको ऑफिस के कामों में इतना मसरूफ कर दो कि उसके पास अपनी बीवी को देने के लिए वक्त ही ना हो, और ना ही उसकी उल्टी सीधी बातें सुनने का वक्त हो। क्या करूं मैं इस लड़के का? फिलहाल तो आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल शाबाश।